हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक्स। सो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही क्रूशियल भी है। यस, टाइप्स ऑफ डाइट्स। सो कितने टाइप्स ऑफ डाइट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में हम कितना यूज करते हैं, हमें कितना पता है। सो ये सारा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बट आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो गाइस, इंडिया में टोटल थ्री टाइप के डाइट फॉलो किया जाता है नॉर्मली। सो फर्स्ट इज हाई कार्ब डाइट एंड देन सेकेंड लो कार्ब डाइट, थर्ड कीटोजेनिक डाइट जिसे कीटो डाइट भी कहा जाता है। सो तीन डाइट्स बहुत ही फेमस है एंड इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर एंड नॉर्मल फिजिक जो मेंटेन कर रहे हैं, तीन डाइट्स फॉलो किया जाता है इंडिया में। ये तीन डाइट यूज किया जाता है। सो हमें कौन सा सूट होगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में आगे, बट उसके पहले वर्ल्ड वाइड कितने टाइप्स ऑफ डाइट्स अवेलेबल है उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि वेजिटेरियन डाइट, वेगन डाइट, कीटोजेनिक डाइट जो कि इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड भी फेमस है, उसके अलावा जोन डाइट एंड देन वेट वॉचर्स डाइट, साउथ बीच डाइट, रॉ फूड डाइट एंड मेडिटेरेनियन डाइट। सो ये अलग अलग टाइप्स के डाइट्स अवेलेबल है, इनके यूसेज भी अलग अलग है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मोस्ट नोन डाइट, दैट इज वेजिटेरियन डाइट। दे डू नॉट कंज्यूम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एक्सेप्ट एग्स, हनी एंड डेयरी प्रोडक्ट। सो वेजिटेरियन डाइट जो फॉलो करते हैं थोड़ा कम बीमार होते हैं एंड उनका वेट भी ठीक ठाक रहता है। उसके अलावा सेकेंड डाइट आता है वेगन डाइट। सो यस, वेगन डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारे भारतीय कप्तान विराट कोहली भी उसे फॉलो करते हैं। वेगन डाइट इज समथिंग डिफरेंट विथ वेजिटेरियन डाइट। सो वेगन डाइट में आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट तो अवॉइड करते ही है, उसके साथ साथ एग्स भी अवॉइड करेंगे एंड देन डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर एंड हनी भी। सो ये तीनों चीजें अवॉइड करते हैं वेगन डाइट में। वेजिटेरियन एंड वेगन डाइट जो फॉलो करते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही कम बीमार होते हैं। सो बहुत ही यूजफुल डाइट माना जाता है वर्ल्ड वाइड। अब आते हैं जोन डाइट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट कहा जाता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट 40% एंड प्रोटीन एंड फैट 30% अराउंड इंटेक किया जाता है पर डे। सो वेट लॉस एंड वेट मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल किया जाता है एंड बहुत सक्सेसफुल भी है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज कीटोजेनिक डाइट जिसे कीटो डाइट भी कहा जाता है, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम इंटेक किया जाता है एंड फैट्स एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक किया जाता है, और बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे हमारे इस वीडियो में जिसमें हम तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, हाई कार्ब, लो कार्ब एंड कीटोजेनिक डाइट। तो इन तीनों टॉपिक पे हम डिटेल में जानेंगे आगे। नेक्स्ट है वेट वॉचर्स डाइट। सो वेट वॉचर्स इनकॉर्पोरेशन करके एक कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड इनके ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। सो वेट वॉचर्स इनकॉर्पोरेशन ये एस्टेब्लिश हुआ है 1960 में। सो इनका मेन फोकस वेट लॉस के रिगार्डिंग है एज पर डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब आते हैं हमारे लास्ट डाइट पे जिसे मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। सो इनका फोकस सिंपल है, ये न्यूट्रिशनल हैबिट्स फॉलो करते हैं। सो ये मेनली प्लांट बेस्ड फूड, फ्रेश फ्रूट कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा बीन्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल एज अ मेन सोर्स ऑफ डाइटरी फैट। ऑलिव ऑयल को गुड फैट कहा जाता है एंड देन चीज, योगर्ट आर मेनली डाइटरी प्रोडक्ट। इसके अलावा एग्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड मीट कंसिडर किया जाता है मेडिटेरेनियन डाइट में। सो गाइस, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डाइट जो वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड फॉलो किया भी जाता है। अब आते हैं हम इंडिया में जो मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे कि हाई कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट एंड कीटो डाइट। बट उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए विच इज ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन, तब जाके आपको ये वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट डाइट, दैट इज हाई कार्ब डाइट जो इंडिया में यूज किया जाता है। बट उसके पहले मैं आपको TDEE के बारे में बता देना चाहता हूँ, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, विच इज नथिंग बट BMR प्लस टोटल कैलोरी बर्न थ्रू आउट योर एक्टिविटी। अब यहाँ पे फिर से BMR आया, तो जो गाइस नए हैं प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में समझेगा, देन जाके ही आपको ये वीडियो क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। सो TDEE इज नथिंग बट टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, विच इज BMR प्लस अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न, आप जितने भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो प्लस आपका BMR जो आया है, एक दोनों मिला के जो वैल्यू आता है दैट इज नथिंग बट TDEE। एज एन एग्जाम्पल आपका BMR 2000 आया है
देन आप लिटिल एक्सरसाइज चूज करते हो देन आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2300 के अराउंड आएगा, दैट इज 2300 कैलोरीज ऑफ TDEE. सो आपको डिसाइड करना है, अगर आपको वेट गेन करना है देन यू विल चूज हाई कार्ब डाइट. तो हाई कार्ब डाइट तब पिक्चर में आता है. अगर आपको लो कार्ब डाइट चूज करना है या फिर आपको वेट लॉस करना है देन आप चूज करोगे लो कार्ब या फिर कीटोजेनिक डाइट. सो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि वेट गेन करना है तो मैं मेरा TDEE 2300 के अराउंड आया है उसके ऊपर मैं कैलोरीज बढ़ाऊंगा, 100 कैलोरीज या 200 कैलोरीज एवरी वीक बढ़ाऊंगा. सो हाई कार्ब डाइट में बेसिकली 50-60% कार्बोहाइड्रेट कंसिडर किया जाता है एंड देन 20-30% प्रोटीन एंड 10-20% फैट्स कंसिडर किया जाता है. सो दिस इज नथिंग बट हाई कार्ब डाइट. अब आते हैं सेकेंड डाइट जो इंडिया में फॉलो किया जाता है विच इज लो कार्ब डाइट, जिसका मैक्रो रेशियो 25-35-40 है. 25% कार्बोहाइड्रेट, 35% प्रोटीन एंड 40% फैट्स. एज एन एग्जाम्पल 2000 आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आया है देन आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर लो कार्ब डाइट जो कि 25-35-40% है. तो 2000 का 25% इज नथिंग बट 500 कैलोरीज. सो 500 कैलोरीज को डिवाइड बाय 4 करेंगे आपको 125 ग्राम अराउंड कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. सेम आप प्रोटीन और फैट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 175 ग्राम अराउंड प्रोटीन आएगा एंड 89 ग्राम अराउंड फैट आएगा फॉर 2000 कैलोरीज के लिए. अब लो कार्ब डाइट कब यूज करते हैं? टू ट्रिम एक्सेस बॉडी फैट एंड गेन मसल मास. जिसको मसल मास बढ़ाना है लो कार्ब डाइट यूज करते हैं. ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट इसका रिजल्ट काफी यूजफुल है, काफी बेनिफिट है. सो लो कार्ब डाइट भी बहुत लोग फॉलो करते हैं. सो आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक पे, कीटोजेनिक डाइट विच इज नथिंग बट अ कीटो डाइट. सो कीटो डाइट होता क्या है? इट ब्रेकडाउन्स द फैट इन अ बॉडी टू क्रिएट सब्सटेंस कॉल्ड कीटोन्स थ्रू प्रोसेस कीटोसिस. सो आपके बॉडी में जो फैट है उसे ब्रेक डाउन करता है कीटोन्स में एंड देन वो जो प्रोसेस चलता है उसे कीटोसिस कहते हैं विच इज नथिंग बट अ कीटो डाइट. सो आप सोचते रहेंगे 60% ऑफ फैट कंज्यूम करना है कीटो डाइट में, देन कीटो डाइट फैट लॉस के लिए कैसे रिकमेंड करता है? यस, जैसे आप कहावत सुने रहेंगे लोहे को लोहा ही काटता है. सो आप फैट कंज्यूम करोगे सो आपका फैट बर्न होगा. जैसे कि कीटो डाइट में ओनली 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं सो आपके पास एनर्जी बहुत कम होता है. तो आपका बॉडी क्या करता है? फैट को यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन फैट बर्न करने लगता है. सो कीटो में यही प्रोसेस चलते रहता है. कीटो डाइट का एग्जैक्टली मैक्रो रेशियो क्या है? सो 5-35-60 का रेशियो कीटो डाइट में फॉलो किया जाता है. सो एक्सेसिव फैट लॉस करने के लिए कीटो डाइट रिकमेंड करते हैं. सो कीटो डाइट जो फॉलो कर रहे हैं उनका एम मसल गेन नहीं होता, उनका स्ट्रेट अवे फोकस होता है कि फैट लॉस मुझे करना है सो आई विल गो फॉर कीटो डाइट. ये मैं उन केसेस में बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही फैट है, जिनका ओबेसिटी ज्यादा है, जिनका बॉडी फैट सबसे ज्यादा है. सो अब कीटो डाइट किसको यूज करना है ये आपको पता तो चली गया, बट इन्हें यूज नहीं करना है. यस, डायबिटिक पेशेंट को यूज नहीं करना है. टाइप 1 डायबिटिक अगर यूज करना ही है तो डॉक्टर रिकमेंडेशन के बाद ही यूज करना है. इसका साइड इफेक्ट बहुत ही एडवर्स, बहुत ही सीवियर है. सो डायबिटिक पेशेंट्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम कीटो डाइट. सो गाइस, वेरियस डाइट्स वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में जो फॉलो किया जाता है ये अभी हमें पता है. हमें कौन सा यूज करना है या हमें डिसाइड करना है कि मुझे वेट गेन करना है तो मैं हाई कार्ब के लिए जाऊंगा, मुझे वेट लॉस करना है तो मैं लो कार्ब या फिर कीटो डाइट यूज करूंगा. सो आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली मेरा बॉडी टाइप क्या है, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, देन मैं कौन सा टाइप प्लान चूज करूं. सो इस वीडियो में भी मैंने कैलोरी कैलकुलेटर दिया हूं, आप जाके आपका कैलोरी काउंट कर सकते हैं, आपके बॉडी फैट काउंट कर सकते हैं, BMI BMR देख सकते हैं, तब जाके आपको आपका टोटल कैलोरी काउंट मिलेगा, देन आप एक डाइट चूज कर सकते हैं. सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है. सो जाते जाते प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.